हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा चैप्टर 9 में हमारे पास डिस्क्रीट कार्डन्स एंड फरारी मेथड्स है। उसमें आज हम बात करेंगे फरारी मेथड्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स में 101% ज़रूर आता है। देखिए, फरारी मेथड्स को हम किसी क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं जो इक्वेशन हमारी इसमें होगी, हमारी बायक्वाड्रेटिक में होगी, जिसमें हमारे पास बायक्वाड्रेटिक होगी, 4 भी होगी इक्वेशन कंटेनिंग एक्स रेज़ टू पावर 4, देन एक्स रेज़ टू पावर 3, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट। तो इस इक्वेशन के हम रूट्स निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फरारी मेथड्स। देखिए, फरारी मेथड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसलिए इक्वेशन को हमने फर्स्ट सेट कर लिया, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो हमारी 4 और 3 वाली टर्म है उसको हमने इस साइड रख लिया एंड बाकी हमारी टर्म्स को इज इक्वल्स टू के हमने उधर रख लिया। उसके बाद हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें दोनों साइड टर्म्स को ऐड करना होता है। अब हमें ये देखना है कि हम इसमें क्या टर्म ऐड करें कि हमारा जो ये है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए, इसको मैंने क्या करा, मुझे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो मैंने क्या करा, x की 4 को x के स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 एज इट इज़ लिख लिया, एक्स क्यूब को तोड़ लिया मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में। अब मुझे क्या बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये मेरा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2, ये मेरी ए की वैल्यू एज इट इज़ एंड ये बी की वैल्यू। प्लस में हमें क्या चाहिए होता है, वो हमें निकालना है। प्लस में हमें क्या चाहिए होता है, बी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, बी की वैल्यू एक्स आ गई एंड बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें, इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड, इस साइड भी एक्स स्क्वायर को ऐड करूँगी और इस साइड को भी एक्स स्क्वायर को ऐड करूँगी। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको क्या करा, ए प्लस बी, बी यहाँ पर क्या काम करेगा, एक्स यहाँ पर बी का काम करेगा। सो वी हैव एडेड एक्स स्क्वायर टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर देंगे। यहाँ पे तो हमने एक्स की पावर 4 प्लस 2x3 प्लस एक्स क्यूब 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर में ऐड करने के बाद ही तो हमारे पास ये आया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। राइट हैंड साइड में देखिए, ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ थी, मैंने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 7x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो क्या बन गया, 8x स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया थर्ड इक्वेशन। नाउ ऐड लैम्डा ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें लैम्डा को क्या, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड करना है, लैम्डा। देखिए, लैम्डा को किस तरह से ऐड करना है, ये हमारे पास टर्म थी उसके अंदर हमने क्या ऐड करा, लैम्डा, एंड देन उसका स्क्वायर तो एज इट इज़ था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वो तो हमारा ए का काम करेगा, जो लैम्डा है वो हमारा बी का काम करेगा। ए प्लस बी की होल स्क्वायर बन गया ये, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने क्या करा, इसको इसमें लिख लिया, इस फॉर्म में ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2ab मतलब ये। अब इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू यू एज इट इज़ पुट कर दी, प्लस लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ये वैल्यू टर्म हमारे पास एज इट इज़। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इस टर्म को अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2λ एक्स स्क्वायर प्लस 2λ एक्स कर दिया। अब हमने क्या किया, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कंटेनिंग एक्स स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर ली, टर्म्स कंटेनिंग एक्स स्क्वायर हमने इकट्ठी कर ली, टर्म्स कंटेनिंग एक्स हमने इकट्ठी कर ली, और जो हमारे पास वेरिएबल्स थे सी कॉन्स्टेंट थे वो हमने अलग कर लिए। कैसे, 8x स्क्वायर प्लस 2λ एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हमने बाहर लिखा, 8 प्लस 2λ अंदर, प्लस 8 प्लस 2λ अंदर लिखा, एक्स बाहर लिखा, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12। यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमने इक्वेशन बना ली, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है और सी का काम ये कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, लैम्डा। लैम्डा ऐड किया तो हमने किसी वजह से ऐड किया लैम्डा, हमने लैम्डा को ऐड किया था कि हम लैम्डा को इस तरह से चूज़ करें कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाए, परफेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस इक्वेशन को इस तरह से चूज़ करेंगे कि ये वाली इक्वेशन हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, इसको चूज़ करने के लिए हमारा जो बी का इसको इक्वेशन 4 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू इस तरह से चूज़ करनी है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारी फोर्थ इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, इज मस्ट बी ज़ीरो। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पर बी का काम ये कर रहा है, फोर का फोर ही करेगा, ए का काम ये कर रहा है एंड सी का काम ये कर रहा है। तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर माइनस फोर, ए मतलब कि ये एंड सी मतलब हमारा ये, बी स्क्वायर माइनस ए सी शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने क्या करा, एट प्लस टू लैम्डा को कॉमन ले लिया क्योंकि दो बार आ रहा था। एट प्लस टू लैम्डा को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एट प्लस टू लैम्डा माइनस फोर लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो। दो चीज़ों की मल्टीप्लीकेशन ज़ीरो, इट मीन्स इधर दिस ज़ीरो और दिस ज़ीरो। देखिए हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो है या फिर हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो है। ये चीज़ अगर हमारे पास ज़ीरो है तो देखिए, अगर मेरे पास ये वाली चीज़ ज़ीरो है तो टू लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस एट एंड देन लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस फोर। अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो यहाँ से तो ये आ गया, पर अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो है तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, देखिए पहले तो इसको एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद इस पूरी इक्वेशन में से मैंने टू को थ्रू आउट कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा फोर, प्लस टू को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा लैम्डा, माइनस टू को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा टू एंड देन अंदर वैल्यू एज इट इज़ 4 प्लस लैम्डा माइनस टू, इस टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको ऑर्डर में लिख लीजिए इस तरह से, माइनस टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। इस पूरी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, टू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 28 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बनेगा हमारे पास। एंड देन अब नाउ ये ए का काम कर रहा है, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, लैम्डा का कोफिशिएंट बी का काम कर रहा है और ये पूरी टर्म सी का काम कर रही है। अब हमें इस इक्वेशन के रूट बनाना है, तभी तो हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट अपॉन टू ए माइनस, यहाँ पर बी का काम कौन कर रहा है, माइनस वन, माइनस वन प्लस माइनस एज इट इज़, बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम कर रहा है माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का काम कौन कर रहा है टू एंड सी का काम कौन कर रहा है माइनस 28 बाई टू एज इट इज़, ए का काम कौन कर रहा है टू, माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस, माइनस वन स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस, फोर टू ज़ार एट, 28 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू फोर अंडर द रूट, टू टू ज़ार फोर, वन प्लस माइनस इसको ऐड किया, टू टू फाइव अंडर रूट बाय फोर, वन प्लस माइनस टू टू फाइव अंडर द रूट को हम किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 लिख दिया हमने। अब प्लस माइनस है, इस मीन्स वन प्लस 15 बाई फोर एंड वन माइनस 15 बाई फोर, वन प्लस 15 बाई फोर इज़ व्हाट, 16 बाई फोर, वन माइनस 15 बाई फोर इज़ माइनस 14 बाई फोर, फोर से 16 कट, फोर से 16 कट हो जाएगा, क्या आएगा, फोर माइनस 14 बाई फोर, इसको टू से कट कीजिए, टू टू ज़ार फोर, टू सेवन ज़ार 14, तो माइनस सेवन बाई टू। अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, यहाँ से आई हमारे पास माइनस फोर, यहाँ से आई हमारे पास फोर एंड यहाँ से आई हमारे पास माइनस सेवन बाई टू। हमें इस वैल्यू को चूज़ करना है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जैसे हमने ले लिया लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस फोर, ताकि हमने जब इसमें इक्वेशन को जितनी कम हो सके उतनी बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन फोर थी उसमें हमने वैल्यू को पुट करना है, इक्वेशन फोर कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दीजिए, एट प्लस टू इंटू माइनस, यहाँ पे क्या आएगा फोर, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या आई है माइनस फोर, एट प्लस टू इंटू माइनस फोर स्क्वायर प्लस एट प्लस टू इंटू माइनस फोर एक्स प्लस माइनस फोर स्क्वायर माइनस ट्वेल्व और इज इक्वल्स टू, इधर हमारे पास क्या चल रहा था, ये चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये चल रहा था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा था। तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज़, लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस फोर का होल स्क्वायर, इधर की थी हमने जो भी बताया आपको मैंने वैसे की वैसे पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करके देखिए, एट माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस एट माइनस एट एक्स प्लस 16 माइनस 12, ये ज़ीरो क्या बना, फोर, तो ये वैल्यू तो बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर। इस फोर को इधर लिया है, ऐसे कर दिया हमने, तो हमने क्या किया, हम इस माइनस फोर को इज इक्वल्स टू से इधर लिया है तो हमारा क्या बन गया, माइनस, अभी फोर को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू का स्क्वायर, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर प्लस टू माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम ये भी ज़ीरो या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो, हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कैसे करते हैं हम सॉल्व, कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए माइनस का सिक्स और ऐड करके क्या आना चाहिए वन। तो देखिए आप इसको कैसे चूज़ कर सकते हैं, सिक्स सिक्स किस किस की मल्टीप्लाई से आता है, सिक्स और वन की मल्टीप्लाई से आता है या तो, या फिर थ्री और टू की मल्टीप्लाई से आता है। पर अगर मैं सिक्स और वन को यूज़ करूँगी तो मेरे पास एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में क्या बचेगा, फाइव बचेगा, ऐड करूँगी तो सेवन बचेगा, तो वो मुझे चाहिए नहीं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, थ्री और टू को। तो इसको तो आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा पहले, फिर इसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा। अब सोचना कि आपको ये साइन का कैसे यूज़ करना है। देखो पहले लिख लो कि थ्री एक्स चाहिए और टू एक्स चाहिए। अब थ्री और टू की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स आता है, पर हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, माइनस, और ऐड में उन दोनों को ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्लस का वन आना चाहिए। तो अगर मैं माइनस का थ्री ले लूँगी और प्लस का टू ले लूँगी तो माइनस का वन आएगा, और अगर मैं माइनस का टू लूँगी तो मेरे पास प्रोडक्ट में तो क्या होता है, अगर आपको माइनस चाहिए तो आप किसी भी एक चीज़ को माइनस ले लो तो आंसर तो माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस ले लूँगी तो भी माइनस सिक्स आएगा, और यहाँ माइनस लिया तो भी माइनस सिक्स आएगा, पर इफेक्ट तो इस पर पड़ेगा ना। उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस वाले टर्म को पॉजिटिव लिया ताकि हमारे पास जो बड़े वाली टर्म होती है उसका जो साइन होता है वही आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का थ्री लिया ना कि माइनस का थ्री। तो ऐसे आप इसको लेना, एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस थ्री, माइनस टू कॉमन लिया एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से आ गया टू, यहाँ से आ गया माइनस थ्री। इस वाले में देखिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखो, माइनस टू को एज इट इज़ रखो। अब हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, टू, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, वन, सॉरी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस टू, एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए वन। तो वो किससे आएगा, टू और वन से आएगा। अब वही सेम बात है, माइनस टू मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ना, तो माइनस वन लूँगी और टू लूँगी तब भी माइनस टू, माइनस टू लूँगी और वन लूँगी तब भी माइनस टू, पर एडिशन में क्या चाहिए, प्लस का वन, यानी कि प्लस चाहिए। अब इन दोनों का एडिशन कीजिए तो क्या आ रहा है, प्लस का वन आ रहा है, पर अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वन आएगा, क्योंकि टू के आगे माइनस है। तो इसलिए हमने क्या लिया, प्लस का टू एक्स एंड माइनस का एक्स। यहाँ से एक्स को कॉमन लीजिए एक्स प्लस टू, यहाँ से माइनस वन को कॉमन लीजिए एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, वन एंड माइनस टू, हमारे पास क्या आ गए, वन टू माइनस टू एंड माइनस थ्री चार। हमारी जो इक्वेशन थी वो किस में थी, कि फोर में थी ना, और हमारे पास रूट भी कितने आ गए, फोर में। तो ये हमारे पास इसके चार रूट्स आ गए। देखिए हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि फरारी मेथड में हमें क्या करना होता है, जो गिवन इक्वेशन दिया उसको लेट कर लेना, एग्ज़ाम में भी आपको कैसे करके आना, जो गिवन इक्वेशन दी हो उसको वन लेट कर लिया हमने। उसके बाद हमने इसको इस तरह से लिख लिया, इस वाले को ऐसे लिख लिया कि फोर और थ्री वाले टर्म्स को इधर लिख लिया। अब ये तो सब आप नहीं लिख के आएंगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में आपको सीधा रिमेंबर करना है कि हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए आप ऐसे रफली साइड में सॉल्व करके देख लेना कि वो कैसे बनेगा, कि हमने इसको तोड़ के स्क्वायर के स्क्वायर में लिख लिया, इसको टू ए बी के फॉर्म में लिख लिया, तो हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो बी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, तो उसको इस फॉर्म में लिख लेना और वो उसको ऐड कर देना। इक्वेशंस का नाम लिखते रहना, ऐसे नंबरिंग करते रहना, फिर उसको ऐड कर देना उस इक्वेशन में दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको नई इक्वेशन का नाम दे दिया हमने। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा को ऐड करना है, लैम्डा को ऐड करने के बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगानी है उस तरफ, ऊपर वाली इक्वेशन में से ए की स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट करके लिख देना, लिख दिया अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स के वाली टर्म्स, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है और कॉन्स्टेंट अलग करना है। लैम्डा को इस तरह से चूज़ करना है कि हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस शुड बी ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी ज़ीरो। सोल्व किया, लैम्डा की वैल्यू आई या तो ये ज़ीरो, या फिर इस वाले से करा तो हमारे पास ये वैल्यू आई ये ज़ीरो, इस फॉर्मूले से मैं यूज़ करा। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, जो इक्वेशन आई उसके रूट्स बना लिए, एंड देन हमारे पास लास्ट में क्या आ गए, चार रूट्स आ गए, क्योंकि ये फोर की ही टर्म्स में इक्वेशन थी। आई होप आपको फरारी मेथड समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।